हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्टी और मेरे साथ हैं नुसरत अरबाब। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी मेरे बहन भाई? सब ठीक है, अल्लाह का करम है जी, हम भी ठीक है। और गाइस, आज हम जा रहे हैं जी ट्विंटल मार्केट, और मेरी बेटी ने बहुत जिद की हुई है। मैंने कहा उसके पेपर हो रहे हैं, उसे कहा है कि पेपर हो रहे हैं, पेपरों के बाद जो लेना ले लेना, कोई जानवर परिंदा जो लेना ले लेना। तो कहती नहीं, मुझे आज लेकर जाए, रोजा भी है उसका, और उसे हम टोटल मार्केट लेकर जाते हैं और देखते हैं उसे क्या पसंद आता है, कैटो पसंद आती है या पैरेट, क्या पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर उसे लेकर देंगे। और आपने बहन भाइयों ने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियो स्किप नहीं करनी। और हम चलते हैं और आप बहन भाइयों को दिखाते हैं, जो नए बहन भाई हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेगम, आज फिर महरीन ने तो फिर जिद कर ली है कि मुझे लेकर दें, मुझे लेकर। हाँ जी जी, उसकी वजह से हम जा रहे हैं और अफ्तारी भी हम बाइक से ही कर रहे हैं। जी महरीन, आज फिर ट्विंटल मार्केट। हाँ जी, आज ट्विंटल मार्केट जा रहे हैं, कुछ खरीदेंगे वहाँ से। तो आज देखेंगे फिर आपको क्या किस्मत में आपकी, इसलिए कि आप बहुत हमें तंग कर रहे हो कि भाई हमें ये चाहिए चाहिए। मैंने तो कहा रहने दो, अभी बाद में ले लेंगे, लेकिन आप कहते हो मुझे चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ, दिल कर रहा था ना मेरा, इस वजह से। अच्छा, दिल कर रहा था, फिर आपको कुछ चिड़िया ले दूं वहाँ से? नहीं चिड़िया। अच्छा, चले ठीक है, आज चलते हैं और बहन भाइयों को दिखाते हैं वहाँ से हम क्या लेंगे। ओ बेगम, आप शूज पहन रही हैं? हाँ जी जी, मैं शूज पहन रही हूँ। अच्छा, चलो पहनो पहनो यार, पहनो जल्दी से पहनो शूज। आपको पता है मैं बाहर वो हील वाली जूती नहीं पहनती। हाँ नहीं नहीं, ये तो बात ठीक है। आप जो कर पहन आ जाए, गिट्टा टूट जावे तो फिर पहनती हूँ, लेकिन वो कोई जाना हो, कोई फंक्शन फंक्शन हो, फिर हील पहनती। अच्छा, वैसे अगर बाहर जाना तो फिर शूज जाना हो आप बहुत वो फिर पैदल चला कहते हैं ना, चलो पैदल चलो पैदल चलो, पूरा बाजार घुमा देते हैं, तो लेनी एक चीज होती, इसीलिए मैं शूज पहन कर। चले ठीक है, पहने पहने। मेरी नाप रेडी हो बेटा? हाँ जी, मेरी मुझे कपड़ा दो, ये मैं ना शूज अच्छी तरह साफ कर लूँ। चलो फिर जल्दी करो यार, जल्दी करो, मैं तो इधर आपका वेट कर रहा हूँ। तो गाइस, ये आरफो सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी है टेक्निकल इंजीनियरिंग की। तो हम जा रहे हैं ट्विंटल मार्केट, तो रास्ते में जो जो चीज़ आएंगी आपको बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। गाइस, ये निवासी पार्क है, ये निवासी पार्क है, और हम रास्ते में हैं और आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए फूल गाइस कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं रास्ते में फूल कितने खूबसूरत बारिश के पानी लगाए हुए उन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड हो गया, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अब बेगम, तुम्हारा दिल आगे नहीं जा रहा करने को ट्विंटल मार्केट? अभी जाते हैं, इधर फूल देख रही थी मैं। अच्छा, फूल देखे तो आपने कहा मैं इधर रुक जाऊँ? जी, मैंने कहा मैं इधर रुक जाऊँ थोड़ी देर ना, वो खुला सांस लेने। अच्छा, खुला सांस लेने। वाह जी वाह, ये तो बहुत प्यारी जगह है। गाइस, ये पार्क है और ये आप देख सकते हैं साथ मेन रोड है। मैंने कहा थोड़ी देर ना सुकून ले लें, स्टे कर लें। अच्छा, स्टे कर रहे हो ये? वाह जी वाह जी वाह, कमाल हो गया यार। छुट्टी मारी है फिर स्टे भी करिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो फिर आपकी मौजे लगी बेगम। हाँ जी, आज तो मौजे लग गई। चले फिर आगे चले अब। हाँ जी, बस चले आज ही। गाइस, ये देखिए कितना खूबसूरत रोड है और कितनी खूबसूरत जगह है। ये हम ब्रिज पर हैं गाइस, ब्रिज पर हैं हम। जी तो गाइस, आप मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये क्या चीज है, ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? ये रास्ते में हमारे आती है और आप हमें बताएं, हमें तो पता है क्या चीज है, लेकिन आपने मुझे बता लिया कि व्हाट इज दिस। ओके हो गया गाइस, ये देख ले, ये रोड जा रहा है तो हम रास्ते में ही हैं, लेकिन ये आया तो मैंने कहा बहन भाइयों से मैं पूछूं ये क्या है यार। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम देखते हैं यहाँ से क्या खरीदते हैं। जी तो
गाइज हम फाइनली ये ट्विंटल मार्केट में पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्यों बेगम पहुंच गए ना, अब यहाँ से मेहरीन बेटा लेंगे, देखेंगे क्या चीज मिलती है हमें। वो देखिए डॉग भी फिर रहा है लेकर, चले चले। हाँ जी चलते हैं। ये देखो मेरी बेटा कितने खूबसूरत है ना। ये देखो कैट, ये छोटे छोटे बच्चे हैं कैट के। ये भी, ये देखो मेरी, वो ये तो एंजॉय कर रहे हैं यार। ये देखो वो, ये प्यारा है ना बेगम। ये देखो कितने खूबसूरत खरगोश है, उनका साथ छोटा सा बेबी भी है। ये इतने साइज की ही है। हाँ जी, इतने साइज के फुल साइज है ये इनका। कितने प्यारे हैं देखे। हाँ जी, और ये क्या है ब्रो, इसका क्या नाम है? इसका नाम बेला है। बेला ये 1 महीने का बच्चा मैंने पाला हुआ है अपने हाथ पे। जी जी, ये फोर सेल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मेरे पास आया फ्री ऑप्शन पे। जी जी, यानी कि ये इसकी बदल जो थी वो इंतकाल कर गई। ओ भाई, आ गया, मैंने इसको गूगल पे पाला है। जी जी, माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया है। माशाल्लाह, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लविंग फैमिली हो। जी जी बिल्कुल, फ्री पे दूंगा, बिल्कुल फ्री पे, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी शॉप है ट्विंटल मार्केट में। जी जी, ट्विंटल मार्केट पे ये फ्री ऑप्शन पे है मेरे पास। वाह जी वाह, क्या बात है। ये की परचेजिंग तो नहीं होती ना, ये सेल होते हैं। जी, जिसको भी देंगे आप ऐसा गिफ्ट ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गिफ्ट के तौर पे आप ऐसा देंगे। फीमेल है ये? जी जी फीमेल है। वाह, ओ बेबी हाउ आर यू, क्या हाल है? ओए खा रहे यार भूख लगी है। अपने लोग पे भी आ जाओ आप। अच्छा भाई, ए वाला तो रात होता है ना, तो वो वाले काठे ने ना, तो एदा बच्चा किन्ने दा मिलेगा? रात दा बच्चा 12,000 दा। 12,000 दा? अच्छा, मैं तो इसको सुरखाब ही कहता हूँ। गाइस देखिए कितना खूबसूरत, ये कॉमी परिंदा है चाइना का। अच्छा, ये चाइना का कॉमी परिंदा, चाइना का कॉमी परिंदा है। अच्छा, ये अमेरिकन लगा है ना भैया? ये अमेरिकन लगा है। अच्छा गाइस, ये अमेरिकन लगा है। तीतर है जी, तीतर। ये छोटी वाली चिड़िया है, ये भी है। हाँ जी हाँ जी, ये देखो बेगम, ये देखो आप। तो गाइज ये मेरे बहन भाइयों, ये राह के बच्चे हैं। ये जो रात होता है जिसके ये कंधे भी लाल होते हैं और गानी भी लाल होती है, बोलने वाले किसे कहते हैं। तो ये इनकी डिमांड है जी 10,000, यानी कि 10,000 रुपया वो कह रहे हैं एक एक बच्चे का। उसका रेड भी है, वो देखें गाइज, वो रेड ऊपर से हुआ हुआ बच्चा ये है, लेकिन छोटे छोटे। बस ये है कि 10,000 रुपया डिमांड है। हाँ जी हाँ जी, मेहरीन जी बेटा, अब आपने ये परचेज कर ली है? हाँ जी। ओ वाह, दिखाओ ये कितने महीने की है भाई?
ये 4 मंथ की कैट है। ओके, फीमेल है ना? जी जी फीमेल है। और मेरी ना आपको यही पसंद आई है पूरी मार्केट में, फिर ये ना मुझे कहना कि भाई ये यही पसंद आई है। और अब आज इसके साथ इसकी फीड ले रही हो और वो रेत वगैरह और वो उसका जो एक्सरे वो दूसरा सामान है सारा, ये ऐसे ही है ना? ठीक है मेरीन, तो अब चलें घर ये लेकर। जी जी, तो मेरीन अब खुश हो आप? आप पहुंच गए हो ना यहाँ पे शॉपिंग करने? अच्छा अच्छा, लिंक रोड पे आए हो आप? रिंक रोड लाहौर। और ये ईद की शॉपिंग की है आपने? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब खुश हो ना यार? अब तो हम पर कोई नहीं ना आपको परेशानी है, अब तो आपको कोई परेशानी नहीं हमसे, कोई खुश हो ना? अब पेपर भी अच्छे देने हैं आपने। लाइना नाम रखे आपने, माशाल्लाह लाइना। और ये 4 मंथ की है, 5 मंथ की? चलो ठीक हो गया, वैसे भी फ्रेंडली है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी मेहरीन चले जो मोम के पास? अभी ये तंग कर रही है, अभी नहीं नहीं है ना, इसीलिए वो घबरा रही है आपसे, है ना? हाँ जी। ये जनाब ईद के लिए लोगों ने ये स्टॉल लगाया मेरी शॉप में, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शॉप है। इधर ये बाहर इन्होंने लगाए हुए चप्पल, मैंने तो खैर ले ली है, ऐसी चप्पल ली है, ऐसी मैंने चप्पल ली है ब्राउन। हाँ जी, नहीं अब मैंने तो खरीदी हुई है, मैंने तो ये देखे गाइस पहनी भी हुई, ये गाइस पहनी हुई है और ये पड़ी हुई है, वो इतनी अच्छी है मेरी वाली, ये देख ले बेगम। आओ तो मैं मैकडॉनल्ड्स से खाना खिलाऊं। नहीं नहीं, खाना हमने वो रोजा, ये साथ ही तो है, हमने अभी रोजा पार किया समोसे और काफी कुछ खाया। अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया। ये लेडीज आ गया जी, सोमली दुकान है। चलो पर तुहानू पैसे तुहाडे मिल गए ना, थैंक यू यार, बड़ी मेहरबानी, जिन्ने तुसी कह रहे तुहानू उन्ने मिले ने। ए भाई पैक कर दे यार। हाँ जी, आप इतने क्या खाने हैं? वो कह रही मुझे भी भूख लगी, इसकी भीड़ नहीं है, हमने वो घर जाकर खिलाया। अच्छा 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 अच्छा, तो इसको तो मेरा हाल नींद आ रही है, वो कह रही है घर जाना है, घर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है, वो ऐसे तंग कर रही है मेरा। हाँ जी, वो कह रही है अब घर जाऊँ मैं, आराम करते हैं। चलिए ठीक है, बस आप चिप्स ले लें उसके बाद चलते हैं बस। जी जी लगा कर दें प्लीज। थैंक यू थैंक यू भाई, ये पैसे आप ले लें। आज अभी सड़क क्रॉस कर रहे हैं हम गाइस, और रश भी बहुत ज्यादा है, रात का टाइम है, कोई बात नहीं, और कैटो हमारे साथ साथ ही एंजॉय कर रही है। वाह यार, मेरी लिए आपने क्या काम कर दिखाया, आपको यही पसंद आई थी? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया। चलो भाई, आपने वो लेनी थी क्या, जूती लेनी थी आपने? वो घर चलते हैं। हाँ, चलो आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी से आ जाओ।
बड़ी देर लग गई है और आर्मा का एक सूट लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमने कोई शॉपिंग नहीं। अच्छा चले कोई बात नहीं, ठीक हो गया। हा हा, बटी साहब आज थक गए हैं। आज तो थक गए हैं ना, है ना? आज सारा दिन महरीन के नाम था। महरीन, ये सारा दिन आपके नाम था यार? आज महरीन के नाम था और महरीन की कैटो के नाम। कैटो के नाम, गाइस इसको कैटो पसंद आई है और कैटो के लिए हम ये इसकी फीड भी ले आए हैं। ये वाली फीड है गाइस इसकी, ये उन्होंने कहा बस थोड़ी थोड़ी देनी है सुबह शाम। और साथ ये इसका बॉक्स है जिसमें ये अपना, और ये वो रेत होती है बाहर की, और ये वो है, ये अब डब्बा किसी साइड पे रखेंगे, इसके अंदर ही उसने फ्लश करना है। ऐसे ही है ना? ओए बासुन, तेरा बेडरूम तो चलो जो भी है, तेरा वॉशरूम ये वाला है, ये तेरा वॉशरूम है। आप इधर देखो, इधर देखो ओए। और ये हमने मानो के लिए ये प्यारा सा सूट लिया है, आरफा के लिए सूट लिया हमने और कोई शॉपिंग नहीं की। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और ये जी आरफा के लिए, आरफा के लिए ओके हो गया। और ये क्या कर रही है इधर देखो मेरी तरफ? ये जायजा ले रही है कि इस घर में मैंने रहा। इसका नाम क्या रखा आपने? लाइना। इसका नाम लाइना रखा। लाइना रख दी है? ओ माशाल्लाह। लाइना, लाइना किधर आ रही हो? लाइना हाउ आर यू गाइस? मैंने आपको पहले भी बताया ये चार पांच माह की है, अभी ये छोटी सी है, तो बहुत खूबसूरत। और महरीन को ये बहुत पसंद आई है ना? महरीन पसंद आई है? अब खुश हो? मैं देखो किधर जा रही है। अच्छा यार, अब ये इसका, अब इसकी जो है ये पूरा जायजा लेगी, पूरे घर का वो जायजा ले रही है कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी साहब आज तो दर्द थक गए महरीन, पहले आप हाथ धोकर। और गाइस हमने तो बाहर से बस वो चिप्स खाए और ये बोतल लेकर आए, समोसे समोसे और रोजा इफ्तार किया था, वो तो पहले ही कर लिया था ना। बोतल भी है, बस दिल घबरा रहा है, गर्मी बड़ी थी भाई। मैं लेके आता हूं। जी आप ग्लास वगैरह लेकर आओ तो हम ये बोतल वगैरह कोक वगैरह पिए। और ऊपर का दरवाजा बंद कर देना, ये ना हो कि मानो वो अगले महल्ले में गई हो और हम इसके पीछे पीछे हों। ये दरवाजे को मैं कुंडी लगा देता हूँ, अभी इसको पता नहीं है गाइस कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, इसी वजह से अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओए किधर हो यार? एक तो इसको अब ढूंढना पड़ा करेगा मुझे। हैं चलो वो जायजा ले रही है। अच्छा जी, जैसे ये लाइना की खुराक है वैसे ही उसका है उस... वाह यार गाइस ये देख ले, मिक्सी मिल गया। इधर आओ, किधर जा रही हो? हम इधर हैं। हेलो, ओए बेबी कम ऑन, कम ऑन बेबी कम ऑन। लाइना है इसका नाम। लाइना, इसका नाम लाइना रखा। और ये फीमेल है गाइस, फीमेल है। जी तो गाइस मेरा काम मुकम्मल हो गया, बेटी ने कहा है आप मुझे कैट ला कर दें पापा, और मैंने वो ला दिए। तो आपको मार्केट में परिंदे भी दिखाए हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत थे। तो मैंने तो वैसे कैट कभी नहीं उठाई। मुझे तो अजीब सा लगता है, लेकिन वो महरीन को बहुत पसंद थी। हाँ जी, तो उसी ने मुझे तंग किया हुआ था काफी दिनों से, मैंने बाजार जाना है, मुझे कोई परिंदा ला दें कोई, मैंने उसे दिखाए थे बहुत से परिंदे। वो कैटो की शौकीन है, कैटो लेकर। मैंने उसे परिंदे भी गाइस दिखाए थे। अब ये गाइस उसका फ्लश का सामान है। बेगम इधर दिखाएं जरा, इधर दिखाएं। ये जी, ये बस थोड़ी सी हमने डालनी है, इतनी बहुत है, ठीक है? ये ऐसे कर देते, थोड़ी सी और डाल दे। नहीं नहीं इतनी बहुत है, इससे कम उन्होंने कहा था। अच्छा अच्छा, हाँ इससे कम कहा था उन्होंने। अब ये रख देंगे इसको, और जहाँ पर इसको उसकी आएगी तो वो उधर जाकर खुद बाखुद कर लेगी, ठीक है? इसको हम रखेंगे वो इधर, वो जो पिछली साइड है ना उधर रखेंगे। हाँ जी, ताकि आप उधर से इसको कर लिया करो, ठीक है? ठीक है, ओके हो गया। तो ये मैंने डाल दिया, बहरहाल उसको मैं इधर रखता हूँ। डाले डाले बेगम, प्यास भी बहुत लगी बाहर से। मैंने तो ये थोड़ा सा पानी जब रोजा इफ्तार हुआ तब पिया था, उसके बाद में समोसे खाए और ये पानी पिया, जूस पिया था बाद में। हाँ जूस थे वो, और छोटे जूसों से क्या बनना है। हाँ जी, उससे तो कुछ भी नहीं बनता, साहब इतनी ठंडी नहीं है, नॉर्मल है। बस इसको डीप फ्रीजर में रख दो ना थोड़ी देर, और मेरे लिए हाफ ग्लास डालना है। ओए बासुन, तू अब मेरे आगे आगे और मैं तेरे पीछे पीछे। बेगम ये अपनी दुम क्यों ऐसे ऊपर खड़ी करके रखती है? मुझे क्या पता बड़ी साहब, मैंने कौन सा रखी है, अब फर्स्ट टाइम रख रहे हैं। अच्छा, तो पता चलेगा कि क्यों ये ऐसे, हाँ ये ऐसे क्यों करती है। बिल्कुल अभी हमें इसका बिल्कुल नहीं अंदाजा। और गाइस आप हमें बताते रहिएगा प्लीज। हाँ जी, और ये आपकी जी जी बिल्कुल, थैंक यू गाइस। बहन भाइयों
आज हमने काफी फिरे टूरे घूमे घूमे काफी घूमे हम और काफी थक भी गए हैं। इधर से काफी दूर है टंडल मार्केट, वहाँ पर हम गए हैं और वहाँ से कैटो लेकर आए हैं, उसकी कुछ चीजें लेकर आए हैं और साथ आरफा का एक सूट लिया है। जी जी मैंने करनी थी शॉपिंग, कोई जूती लेनी थी, कोई अपनी शर्ट वगैरह लेनी थी, लेकिन हम थक बहुत गए थे, हम थक गए मैंने नहीं ली, मैम हम थक बहुत ज्यादा गए थे, बट साहब कह रहे थे ले लो, मैंने कहा बस साहब तो ना खा लो खा लो। कह रही खुद ही मैं खाती हूँ मेरी, ये तो खा रही है ना। हाँ जी। ओ वाओ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये फीड मैंने कहा मैं ले आऊं, ये ना हो के बाद में फिर ये बेचारी भूखी रही। मेरी नहीं, ये पानी रखो, पानी बाद में रख देना ना। लाइना इधर देखो मेरी तरफ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहरीन बेटा कैट है, ये है ना बहुत प्यारी आपकी कैट है। ये कौन सी है? पर्शियन। ये पर्शियन है, पर्शियन, ये पर्शियन कैट है। लाइना तो भी खाने में मसरूफ है, ये चक्की भी नहीं काटती, ये तो बहुत प्यार करती है। ये पर्शियन कैट है मेहरीन, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आपने खा रही है मेरी। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है मेरी। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, आपने बहुत प्यारी चीज आपने खरीद कर लाए हो घर। आपने ज्यादा छोटा बच्चा भी नहीं लिया, आपने कहा वो कैसे संभालेंगे ना, बिल्कुल वो छोटा होता है दूध पीते हैं वो, उसको फिर सिखाना पड़ता है सब कुछ। बिल्कुल। और ये अभी यंग भी नहीं हुई, अभी छोटी है और ये हमने अच्छा किया इस एज में ले ली। मेरी आप इसको शैम्पू से नहलाना शुरू कर दी है। हाँ जी। ओ माशाल्लाह, क्योंकि इसके जरासीम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सांस सुलवाना जी, सांस होगी मेरी इस वजह से, ये सांस होएगी। हाँ ना मेरी बेटा, इसको सांस तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा इसके पंजे भी अच्छी तरह साफ करो। अच्छा। इसके पंजे भी साफ करो, मैं भी हेल्प करवाऊ। नहीं कोई बात, चलो ठीक है। इसके पंजे अंदर से भी, अंदर से भी, अंदर से भी, ऐसी जो उंगली होती है ना उसके अंदर से भी। अभी ये प्यारी हो जाएगी नहा के। फिर आप इसको कैसे खुश करोगी? ड्राई करोगे ना इसको? अच्छा ड्राई करोगे, पानी के ऊपर और थोड़ा सा डालो ऐसे, फिर जग बन जाएगी अच्छे तरीके से ना। ओए पकड़ो, ओए ये वो ही है, ये वो ही है मेरी। इसने नहा लिया, अब इसको ड्राई करते हैं ड्राई मशीन से। अच्छा ड्राई मशीन से करेंगे। करो यार अब तो ये हाथों में नहीं आ रही है। इनकी चारपाई के ऊपर छलांग के चले ठीक है। मेरीन आपकी चारपाई के ऊपर, वो कहती है मैंने सोना ये मेरी आराम वाली जगह है जी। तो गाइस ये इसको नहला दिया शैम्पू के साथ और कंडीशनर भी लगा दिया मेरी ने अपना। अब इसको ड्राई करके खुशक कर रही है ताकि ये जरा गर्म भी हो जाए। एक जगह पर ना लगाना, ये ज्यादा गर्म ही ना हो जाए कहीं। हाँ ऐसे पहले खुशक कर लो फिर इसको ब्रश करना ताकि इसके जो जरासीम है बाहर से आई है सारी बात है उधर मार्केट से, तो ये जरा सेट हो जाएगी। ओए मेहरीन की कैटो तैयार हो रही है, उसने नहा भी लिया और मेरे पास ब्रश नहीं था इसका, और मैंने कंघी मिली है मुझे, मैं उससे इसको ब्रश कर रहा हूँ। चलो ये देखो, ये देखो कैसी हो गई है, बहुत प्यारी है, नहा कर फ्रेश हो गई है। देख ले गाइस, नहा भी दिया और इसके ऊपर ड्राई भी मार दी और इसको शैम्पू के साथ नहलाया और कंडीशनर भी लगाया अच्छा वाला, फेस वॉश भी कहती है मैंने लगाया, फेस वॉश भी लगाया अभी कैटो को। हाँ जी हाँ जी, कैटो बहुत प्यारी हो गई, और ये नहा कर फ्रेश होके बैठी हुई है, इसका चेहरा ऊपर कर, और गाइस इसके बाल भी नहीं उतरे, कि बाल इसके उतरे, ये ड्राई बज रही और बाल इसके उतरे वो भी नहीं उतरे, बिल्कुल A1 फ्रेश हो गई है। इसका बुखड़ा तो ऊपर कर रहे, अब उखड़िया, अब उखड़िया बुखड़ा वो आप बंद कर रही है। नहीं ये मैं ना जरा कर रहा हूँ कि इसके अंदर से भी बाल जो है ना वो सारे हो गए फ्रेश, वाइट हो गई है, पिंक पिंक निकल आई, बहुत प्यारी लग रही है। क्यों सही हो गई है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। गाइस ये देख लें अच्छी तरह इसको मैंने कर दी है, इधर 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 कैमरा मारी है मेरा, तो मैं तो पसीने के साथ बुरा हाल हुआ है मेरा। ओए बिल्ली है, ओए कैटो इधर देखो, ये देखे गाइस ये देखे,
ये देखो मेरी है। अब आपकी कैट पे आई होगी ये। हाँ, चलो इसको बंद कर दो, स्विच निकाल दो उसका। जी तो गाइस इसको हम दोनों ने, बाप बेटी ने इसको नहला भी दिया है और इसको फ्रेश करके इसको ड्राई भी मार दी है। अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हो गई है। वे अब देखो, वाह रे वाह, अब ये मुंह शू साफ कर रही है अपना और खुश है कि शुक्र है मेरी जरासीम उतरे मार्केट के। हाँ जी बानो क्या कर रही हो इधर देखो। अच्छा अभी साफ और कर, अच्छा अच्छा साफ सूफ कर रही है अपने आप। शैम्पू लगाया है, चलें ठीक है, बोतल पियेंगे अब ठंडी हो गई है। हाँ जी पियेंगे। इसको उठा लो बेगम और अब आप इजाजत लें बहन भाइयों से। हाँ जी, ओ वाह यार वाह, ये तो बहुत प्यारी है। कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, वो कहती है पता नहीं मुझे फिर ट्राई मारने लगे हैं। चले अब इजाजत लें बहन भाइयों से। बहन भाइयों से इजाजत लें, हमारे बहन भाई अब हमें दें जी इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें। और हमारी नहीं आने वाली वीडियो बहन भाइयों ने, बच्चियों ने, बच्चों ने और जो मेरे माँ बाप की एज के उन सब ने जरूर देखनी है। और आपने आज बताना है कि हमने व्लॉग कैसा बनाया आज का, और आपको कैट पसंद आई है या नहीं आई। कैट पसंद आई है, मेरी इनकी कैट बहुत प्यारी प्यारी आपको पसंद आई है। जी जी। और इसके अलावा मैंने आपको वीडियो में एक वो गोल सी चीज दिखाई थी, वो जो बिल्डिंग के ऊपर थी, वो भी आपने मुझे बताना है कि वो क्या है। हाँ जी वो क्या है, वो बहन भाई सारे बताए हमें। तो जी अब हमें दे इजाजत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।